सिटी मोदी ने काम करने का बड़े स्तर पे, चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे गरीबी में बात हो, चाहे गरीबों के लिए राय, सीमा सुरक्षा का मामला बात करते हो, पाकिस्तान से महिला आके भारत में घुस जाती है, सीमा सुरक्षा की बात करते हो, पाकिस्तान से महिला करके देश में घुस जाती है, उसको तुम लोग सुरक्षा दे रहे हो, सारे मीडिया में उस पर ट्रायल करा रहे हो। उस महिला की यहाँ आने से यहीं के लोग दोधारी करते भाई, वो महिला यहाँ आती है, एक महीना रहती है, जैसा था सीमा सुरक्षाओं को तोड़ करके आती है, सरकार को पता नहीं चलता है, सीबीआई को पता नहीं चलता है, राव को पता नहीं चलता है, बीएसएफ को पता नहीं चलता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मुख्य धारा की मीडिया में सिर्फ पाकिस्तानी महिला की प्रेम की कहानी को दिखाना और वो आकर के ये बताना सरहद तोड़ करके आई, तो कोई भी आएगा सरहद तोड़ करके आ जाएगा, उसको आप शामिल कर लोगे। और इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक धर्म का चश्मा भी निकल करके आ गया है, क्योंकि वो महिला हिंदू धर्म अपना लिया है, इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों को ये लगने लगा कि वो जासूस नहीं हो सकती है, वो जो हमारे समाज की बहुत बड़ी भक्तिन आ गई है, तो इसका मतलब हर पाकिस्तान की महिला आएगी वो आपको भक्तिन लगने लगी। और मैं वही धर्म हिंदू धर्मावलंबियों से पूछना चाहता हूँ और उस देश के संविधान के रचकों से पूछना चाहता हूँ, क्या हर पाकिस्तानी महिला को आप ये सुरक्षा दोगे? फिर ये डिटेंशन सेंटर, फिर सीए वाला मामला, कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ की नागरिकता का सवाल उठ जाएगा, वहां पर इतनी जल्दी उसको बेल दे देना, ये बहुत बड़े षड्यंत्र को साबित करता है। वो ये षड्यंत्र है कि 2024 के चुनाव को जीतने के लिए कोई बहुत बड़ी शक्ति कर रही, जो हिंदू मुसलमान के एंगल को निकाल करके इसको देखा जा रहा है। और एक और ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, सीमा हैदर के सहारे सिर्फ हिंदू मुसलमान को बनाने की एक पराकाष्ठा की जा रही है। और मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सीमा हैदर और उसकी प्रेम कहानी को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर यही सीमा हैदर किसी अब्दुल मिया की आई होती, किसी सुलेमान मिया के वहाँ आई होती, तब तो यही आप सरकारी टोटल तंत्र सीमा हैदर जिस अब्दुल मिया के वहाँ या सुलेमान मिया के वहाँ आई होती, पूरे खानदान को आतंकवादी साबित करती। यहाँ सिस्टम रवीश जी, सिस्टम टोटल जो उसके रिश्तेदार हैं उनको आतंकवादी साबित करती, यहाँ तक उसके जितने दोस्त हैं उनकी सारे फोन खंगाले जाते, सीबीआई जुटती, राज जुटती, तब इनको सारा आतंकवादी एंगल दिखाई देता है। देश का दुर्भाग्य कि मैं हर पाकिस्तानी महिला को, हर पाकिस्तानी व्यक्ति का विरोध करता हूँ जो नाजायज रूप से हमारे